Hey guys, welcome to another episode of the Cricket Talks. और I know ये episode बहुत time बाद आया है, but सबके साथ जैसा होता है मेरे साथ भी ऐसा ही था कि मुझे इतना time नहीं मिल पाया, और क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज इतनी इंटरेस्टिंग चल रही थी कि मैंने सोचा कि पूरी सीरीज़ हो जाने के बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं IPL का डिस्कशन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ का अगर डिस्कशन करेंगे तो बहुत सारे इवेंट्स हुए थे और उसके लिए आई थिंक 3-4 वीडियोज़ बनाने पड़ेंगे, जो कि मैं कुछ टाइम निकाल के ज़रूर बनाऊंगा। बट अभी क्योंकि इस हफ्ते IPL शुरू होने वाला है, तो मैंने एक सेगमेंट ऑफ वीडियोज़ बनाया जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हर एक टीम का स्क्वाड और क्या अप्रोच होगी और कैसे टीम बिल्ड होगी हर एक फ्रेंचाइज की। तो चलिए आके देखते हैं कि कैसे कैसे पैन आउट कर रही हैं ये टीम्स, क्योंकि IPL अभी बहुत रिसेंटली हुआ था लास्ट एडिशन, तो इस एडिशन में मुझे लगता है ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगे टीम स्क्वाड में। बट हमने इस बार के ऑक्शन में देखा था कि बहुत सारे टीम्स ने कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ को एड्रेस करने की कोशिश करी है, तो हम उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। और इस बार मैंने हर टीम के लिए अलग अलग वीडियो बनाया ताकि एक वीडियो में सारी टीम्स का जो है कंटेंट एक साथ ना आ जाए और यू नो इट कैन बी लॉस्ट इन ट्रांसलेशन समटाइम्स। तो इस बार हम लोग सिर्फ बात करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की, क्योंकि वो एक ऐसी टीम है जो कि बहुत लोग लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, बहुत लोग सोच रहे हैं कि हर साल दे बिकम लाइक फेवरेट्स फॉर द फैंस एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टीम्स इज वेल इन द IPL। बट लेट्स गो एंड हैव अ लुक व्हाट देयर स्क्वाड इज लुकिंग लाइक एंड व्हाट कैन बी अ प्रोबेबल 11 अकॉर्डिंग टू मी। और अगेन बिफोर आई गो फर्दर इन टू दैट, मैं ये बोलना चाहता हूँ दिस इज ओनली माई ओपिनियन, दिस इज नॉट लाइक कि दे आर गोइंग टू प्ले दिस टीम, दे आर जस्ट going to play the team that they want, but according to me I feel that these are the 11 probable players that should make the 11। और मैं सोचता हूँ कि ऐसी टीम अगर होगी जैसे मैं चाहता हूँ तो I hope they go ahead and become more successful than they have been in the previous editions of the IPL। तो अगर आप देखेंगे ये स्क्वाड है यहाँ पे लेफ्ट में और राइट हैंड साइड पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मैंने डाले हुए हैं, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। मुझे लगता है देवदत्त पल्लिकल एंड विराट कोहली बहुत बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं एज एन ओपनिंग पेयर, एंड हमने देखा ही था इंडिया इंग्लैंड के T20 सीरीज में कि विराट कोहली हैड ऑलरेडी अनाउंस दैट ही इज़ गोइंग टू ओपन द बैटिंग, विच मेक्स परफेक्ट सेंस, क्योंकि बहुत सारे एडिशन से यही बात चलती आ रही है कि विराट कोहली को ओपनिंग करनी चाहिए। एंड अगर आप देखेंगे मॉडर्न डे क्रिकेट ही नहीं बल्कि मॉडर्न डे T20s में जो आपका बेस्ट बैट्समैन होता है उसको आपको सबसे ज़्यादा बॉल्स खेलने के लिए अवेलेबल कराना चाहिए। दैट बीइंग सेड, विराट कोहली आल्सो आई थिंक टेक्स 10-15 बॉल्स टू काइंड ऑफ गेट इनटू हिज ग्रूव, और अगर वो ओपनिंग करते हैं एंड ही टेक्स दोस 10-15 बॉल्स, उसके बाद टू कम इनटू द ग्रूव एंड एक्सेलरेट फर्दर टूवर्ड्स द मिड पार्ट ऑफ द इनिंग्स विल बी वेरी गुड फॉर द RCB, क्योंकि अगर आप उनका रन रेट देखेंगे पिछले IPL में वो स्टार्ट्स इतने अच्छे नहीं मिले थे, देवर बैंकिंग अपॉन एरन फिंच अलॉट, जो कि इस बार नहीं है उनके लिए, दे आर बैंकिंग अपॉन विराट कोहली टू डू द जॉब, कैरी फॉरवर्ड द इनिंग्स एंड देन एक्सेलरेट लेटर ऑन। उसके बाद वन डाउन पे मैंने रखा है AB डिविलियर्स को, जो कि अनडाउटेडली इज द नेक्स्ट बेस्ट इफ नॉट द बेस्ट प्लेयर इन द टीम आफ्टर विराट कोहली। देन द न्यू एडिशन, द अनदर ह्यूज बाय फॉर RCB, और हर साल ग्लेन मैक्सवेल को लेके यही बात होती है कि ही इज़ गोइंग टू मेक अ बिग इम्पैक्ट, बट अभी तक ऐसा हो नहीं पाया, सिर्फ एक ही एडिशन में ही मेड सम इम्पैक्ट, आई होप ही डज विद द RCB, बट मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, बट बिकॉज दे हैव पेड सच अ ह्यूज प्राइस फॉर हिम आई एम प्रिटी श्योर ही इज़ गोइंग टू बी इन द स्टार्टिंग 11 एंड वील सी हाउ इज फॉर्म गोज फॉरवर्ड इन द टॉर्नामेंट। After the top four, I feel there's a new addition of the player Mohammad Azharuddin. अगर आप इनका domestic record देखेंगे, he has a very high promise to offer in this team, and I think he went for a good price as well in the auction. तो इस player से मुझे बहुत उम्मीद है, and I hope RCB also is banking upon him for the long time. और आई डोंट नो इफ दिस इज़ द करेक्ट पोजिशन फॉर हिम, मुझे नहीं लगता इस प्लेयर के लिए ऊपर एक पोजिशन बनती है बिकॉज वी हैव सच टॉल स्टॉलवर्ड्स, मे बी ही विल बी पुश टू टू डाउन, बट आई एम डेफिनेटली श्योर ही इज़ इन द प्लेइंग 11। उसके बाद मैंने रखा है हर्षल पटेल को, हर्षल पटेल क्योंकि मैं दिल्ली का इतना बड़ा सपोर्टर हूँ, आई
kind of favor him because of his performances last year. He adds that extra depth to the bowling, although itne successful nahi rahe Indian pitches pe, but I think he has improved. Aur jo abhi recent maine practice matches dekhe hain unke, he has been performing really well. So I would go for Harshad Patel here. And उसके बाद फिर मैंने रखा है डैनियल सैम्स को. डैनियल सैम्स को इसलिए रखा है मैंने क्योंकि आरसीबी हैज़ टू इम्प्रूव अपॉन देयर डेथ बॉलिंग और वो हमेशा से कंसर्न रहा है. तो आई होप डैनियल सैम्स, अगेन ही इज़ कम फ्रॉम दिल्ली कैपिटल्स, आई होप ही एड्स दैट एक्स्ट्रा डेथ, ही एड्स दैट एक्स्ट्रा एज टू द डेथ बॉलिंग. डैनियल सैम्स ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया था व्हेन ही वाज प्लेइंग फॉर दिल्ली कैपिटल्स, बट आई होप इन दिस एडिशन ही काइंड ऑफ प्रूव्स हिज वर्थ, क्योंकि वो अच्छी परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं फॉर बोथ ऑस्ट्रेलिया एंड बीबी एंड इन द फ्रेंचाइज फॉर द बिग बैश लीग. साथ में मैंने रोटेशन प्लेयर्स राइट में रखे हैं, जो कि शायद मैंने पहले नहीं बताया था, बट रोटेशन प्लेयर्स मैंने यहाँ पर राइट में इसे रखे हैं जस्ट इन केस आप अगर उनके बीच में स्विच करना चाहें इन पोजीशंस के लिए, लाइक फॉर लाइक प्लेयर्स हो सकते हैं. ऑल्सो वी हैव टू कीप इन अकाउंट कि ये वाला आईपीएल, क्योंकि सारी टीम्स अलग अलग वेन्यूज़ में खेलने वाली हैं, न्यूट्रल वेन्यूज़ में स्पेसिफिकली, जिसमें होम टीम एडवांटेज बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है. सो यू विल सी अ टीम लाइक मुंबई प्लेइंग इन चेन्नई, जहाँ पे उनकी फास्ट बॉलिंग इतनी इफेक्टिव ना हो, दे मे हैव टू यूज़ इन अ लॉट ऑफ देयर स्पिनर्स देयर. एंड चेन्नई और दिल्ली जैसे जो बिल्कुल ही स्लो ट्रैक्स हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स हैं, वहाँ पे आपको स्ट्रैटेजी थोड़ी दूसरी अपनानी पड़ती है. तो With that being said, you will see a lot of teams adapting to the pitch condition as well. But एक आपका core रहता है हर team में, जो कि I think I'm trying to depict here with both your choices of Glenn Maxwell and Daniel Sams, जो कि I think हर pitch में useful हो सकते हैं. Coming down, we have Washington Sundar. Now he has become an India regular, so I am 100% sure he is going to be in the starting 11. Washington Sundar ek aise player hain who can bat anywhere in the order. He has opened also pehle, and I feel that he is a good bet to open as well for Royal Challengers Bangalore, because Devdutt Padikkal ka abhi COVID test positive aaya hai and I'm not sure if he'll be available for the first match. So if that is not happening, then I'm pretty sure Washington Sundar is going to open with Virat Kohli. Uske baad aate hain hamare sabse mehenge buy from last auction, Kyle Jamieson. Agar aapne India vs New Zealand ki series dekhi hogi 2019 mein, you will remember this name definitely. I feel he has gone on his name and his performance against India, aur isliye itna high price tag mila hai. I don't hope, I'm just saying that I don't see him coming out to be the best bowler of IPL, or I know unke upar price tag ka pressure zarur hoga, and because of the price tag he gets a place in the team, but only time will tell how effective he is in the Indian conditions, because जो इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट T20 खेले थे, मुझे इतने इफेक्टिव नहीं लगे थे फॉर दिस फॉर्मेट. सो लेट्स सी हाउ ही गोज. आफ्टर दैट आई हैव पुट नवदीप सैनी एंड चहल. आई थिंक दे डेफिनेटली मेक द स्टार्टिंग 11. नवदीप सैनी हैज़ बीन आउट ऑफ द टीम फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ही हैज़ नॉट प्लेड इंटरनेशनल क्रिकेट फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड इनकी यॉर्कर्स भी इतनी इफेक्टिव नहीं हो रही थी लास्ट ईयर. सो आई होप ही हैज़ इम्प्रूव्ड अपॉन दैट एंड ही इज़ नॉट बोलिंग those slot in the slot lens for the death bowling, which needs a huge improvement for RCB. Right mein maine jo rotation players rakhe hain wo hai Shahbaz Ahmed, Adam Zampa and Mohammad Siraj. Shahbaz Ahmed maine isliye rakha hai kyunki there are some days where you may need that extra domestic talent to come good for you. So I think Shahbaz Ahmed has made a reputation for himself in the domestic circuit. Adam Zampa इसलिए रखा है क्योंकि कुछ matches में आपको एक extra depth चाहिए होगी spin bowling में, although Chahal, Adam Zampa दोनों एक one dimension bowlers हो जाएंगे because both are leg spinners, but at the same time I feel कि Adam Zampa has played enough cricket to cement his place in the team, and I do imagine if Kyle Jamieson doesn't come good or Daniel Sams doesn't come good, Adam Zampa comes in place of them. Mohammad Siraj has been good for India in the test team, and I have seen the major improvement in his
बोलिंग स्टाइल एज वेल इन द लास्ट IPL, बट अगर नवदीप सैनी अच्छा नहीं करते हैं डेफिनेटली मोहम्मद सिराज वुड कम इन टू द टीम. ओनली टाइम विल टेल हाउ विराट कोहली मैनेजेज हिज प्लेयर्स अमंग्स देम, बट आई फील मोहम्मद सिराज इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट इफ नवदीप सैनी डजेंट कम गुड. ये तो था RCB का प्रोबेबल 11 अकॉर्डिंग टू मी. फॉर द अदर प्रोबेबल 11s, कीप अ लुकआउट ऑन आवर चैनल एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट्स इन दिस IPL. एंड हम इस IPL में और ज़्यादा रेगुलर वीडियोज़ डालने की कोशिश करेंगे जिसमें वी विल ट्राई टू फोकस ऑन द डिफरेंसेज दैट वर मेड ड्यूरिंग द मैच एंड हाउ इट एक्चुअली इम्पैक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टूर्नामेंट एंड वॉट आर दोज की परफॉर्मेंसेज दैट यू हैव टू लुक आउट फॉर.